नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 दिसंबर 2022 से कन्याकुमारी से शुरू हुई और ये पद यात्रा 150 दिन में 3,570 किलोमीटर दूरी तय करेगी। अब इसका समापन कश्मीर में 30 जनवरी को होने जा रहा है। इस दौरान हमारी संवाददाता सुहानी सिंह ने लखनऊ की जनता से पूछा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से लोगों को कितना प्रभाव पड़ा। छोड़ जाते हैं आपको हमारी इस रिपोर्ट के साथ। कांग्रेस ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, उससे जो आम जनता है, जो दूर से भारत जोड़ो यात्रा देख रही है, उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनका क्या इस पर प्रतिक्रिया देना है, तो आइए जानते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के शहरों में और उनसे बात करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर वो किस प्रकार से देख रहे हैं और क्या अपना ओपिनियन दे रहे हैं। कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा 2022 से ही शुरू हुआ था और अब 30 जनवरी को समापन होने जा रहा है, तो आइए जानते हैं हम आम जनता से कि उनको क्या कहना है भारत यात्रा का और कितना प्रभाव पड़ा है आम जनता को। दादा, कितना प्रभाव पड़ा आपको आम जनता, क्या लगता है कि कांग्रेस फिर से वापस आई, कुछ ऐसा बदलाव हुआ है कांग्रेस पार्टी में भारत जोड़ो यात्रा से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और उनके जोड़ो घटाने में भारत पहले जुड़ा हुआ था, आज भी जुड़ा है, कल भी जुड़ा रहेगा। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे इस भारत जोड़ो, कुछ ऐसा राहुल गांधी के जो छवि था पप्पू लोग, क्या उससे कुछ अलग असर पड़ा है, कुछ बदलाव हुआ है? नो, कोई असर नहीं पड़ा। अच्छा, वो और बड़े पप्पू हो गए। अच्छा, जो जुड़ी जुड़ाई चीज है उसको जोड़ने के लिए क्या मतलब। ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि और वो पप्पू हो गए हैं और उनका कोई बदलाव नहीं होने वाला है इससे? बदलाव इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि वो जुड़ी जुड़ाई चीज को अगर हम आप मिलके जोड़ेंगे तो हमको आपको बेवकूफ समझेंगे लोग। अच्छा, हाँ, इसलिए जुड़ी जुड़ाई चीज है, वो केवल अपना समय और टाइम खराब कर रहे हैं। अच्छा, इससे उनसे कोई मतलब नहीं कि जोड़ो घटाओ। अच्छा, दादी आप क्या कहना चाहेंगी? अरे जो कहना था वो बोल दी है अपने। मतलब क्या लगता है आपको, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं, कुछ उससे प्रभाव पड़ेगा क्या? कुछ नहीं पड़ा है प्रभाव। अच्छा, कुछ भी नहीं है। अच्छा, जैसा पहले था अब भी उसी तरह चल रहा है। अच्छा, है कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस फिर से वापस आ सकती है, बदलाव हुआ है भारत जोड़ो यात्रा से, वो किसानों के बारे में सोचते है, भाजपा नहीं सोचते, ऐसी तमाम प्रतिक्रिया है। अरे आपको क्या कहना है? देखिए मैम, आपके माध्यम से हम बताएं आपको जी, जो आदमी प्रयास करेगा उसको सफलता तो मिलेगी। जी जी बिल्कुल, जो आदमी प्रयास करेगा तो सफलता तो मिलेगी जी, और भगवान करे उनको सफलता मिले जी, और बाकी जिनको मिली है वो अपना, वो भी अपने अच्छे से काम कर रहे हैं जी, आगे इनको चांस मिलेगी तो अच्छे से काम करें जी। आपको क्या कहना है? अरे यात्रा इनकी बहुत ही अच्छी चल रही है, हर जगह से ये जो है आगे ही बढ़ रहे हैं, लोगों के पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और अच्छे अच्छा वो उत्तर मिल रहा है इन्हें और ठीक ही चल रहा है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे बदलाव आएगा, इनके भारत जोड़ो से कुछ फर्क पड़ा है? नहीं, फर्क तो पड़ा है, मगर फर्क के साथ साथ में हमारी जो अपनी सोच है कि 2024 में कुछ हल्का फुल्का हो सकता है, हल्का फुल्का पड़ सकता हाँ, है। अच्छा, हाँ, इससे ज्यादा नहीं। आपको क्या कहना है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, क्या कहना है आपको? अरे हम क्या बता सकते हैं इसके बारे में, कुछ तो प्रभाव कांग्रेस के जो पार्टी में कुछ फर्क पड़ने वाला है। अब फर्क तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। अच्छा, तो भाई निकले हैं राहुल गांधी जी रोड जी, पे कितना फर्क पड़ सकता है, क्या वापस आ सकती है सरकार जो कहीं दब चुकी थी, कहा जा रहा था कि कांग्रेस सरकार कहीं दब गई है, फिर क्या आ सकती है वापस? उभर सकती है। अच्छा, भाई जो मेहनत कर रहा है रोड पे, यात्रा कर रहा है आदमी, उसकी सुनेगा ऊपर वाला, आएगा। अच्छा, सरकार जो भी। आपको क्या कहना है भारत जोड़ो यात्रा से, क्या प्रभाव पड़ सकती है कांग्रेस पार्टी में कुछ? कांग्रेस का बीजेपी आ रही है और लग रहा हमको। अच्छा, बीजेपी आ रही है आपका कहना, तो इनके यात्रा से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, क्या बताएं हम, कुछ क्या प्रभाव पड़ सकता है कुछ, जो आप लोग की छवि बनाए गए थे कि राहुल गांधी कुछ नहीं कर रहे हैं, युवा होके हमारे देश के लिए, तो उनका अब अपना मैम उनकी तो उम्र हो गई ना, उनको तो संन्यास ले लेना चाहिए। अब संन्यास लेना, हाँ बाबा वैसे तो बन गए, वो दाढ़ी तो आई गई है। अच्छा, अब उनको हिमालय वाले चले जाना चाहिए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी मतलब जो कि कहीं दब चुकी थी वो उभर रही है इनकी यात्रा से? मैम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आखिर क्यों फर्क नहीं पड़ने वाला? मैम देखिए, आप यात्रा करने के दिखावा कर रहे हो लेकिन आप फील्ड में तो कुछ काम ही नहीं करोगे तो यात्रा से क्या मतलब है आपका? अच्छा, लोगों को आजकल काम चाहिए। अच्छा, आप काम उनको दोगे तो लोग आपको वोट देंगे। अच्छा, जब आप काम ही नहीं दोगे तो फिर लोगों को आप दिखा रहे हो कि मैं टहल रहा हूँ, यहाँ यात्रा करो, वहाँ यात्रा करो, क्या फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ना है। अच्छा, चलिए शुक्रिया। आपको क्या कहना है सर, क्या प्रभाव पड़ेगा कुछ? प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा। अच्छा,
तो आपने देखा यहाँ के जो युवा हैं उनका भी यही कहना है कि उनकी यात्रा से कांग्रेस सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये जनता जो है वो काम मांगती है और सिर्फ यात्रा करने से उनके उनके जो चाहे उनकी कोई भी छवि हो ये ना सुधार सकते हैं और ना ही कांग्रेस पार्टी वापस आ सकती है। तो आइए यहाँ के जो और भी जनता है उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर आपका क्या कहना है, भारत जोड़ो यात्रा से कोई फर्क पड़ने वाला है राहुल गांधी के पार्टी? मेरा क्या कहना, मेरा ये कहना फर्क तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। काम आपको जो यात्रा कर रहे हैं क्या उनकी उससे छवि भी अलग दिख रही है आपको? थोड़ी बहुत दिख रही है, बाकी बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं है दिख रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत है। तो आइए और भी जो है यहाँ जनता उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जो यहाँ के लोग हैं तमाम लोगों का कहना है कि उनकी यात्रा से कुछ ही लोगों का फर्क पड़ सकता है और 2022 से ही अभी समापन होने, तो उस पर क्या कुछ कहना है आपको? कांग्रेस पार्टी में कुछ बदलाव आने वाला है? हमें तो नहीं लगता है जो नहीं हमसे कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, कुछ बदलाव नहीं होने वाला है? अरे जब तक भाजपा है तब तक आने वाले तो नहीं, आराम से नहीं आ। भाजपा की सरकार आएगी भाई, जितने सब लोग सोच रहे हैं वही हम भी सोच रहे हैं जी, लेकिन आनी तो नहीं चाहिए। चलिए, ग्राह है आप लोगों की बदलाव नहीं आने वाला है? बदलाव जो है बैठ के होता है संगठन के अंदर, ऐसे बाहर निकल के नहीं होता है। उनका कहना है कि हम बाहर निकल के जो भारत के तमाम जो नीचे जो तबके के लोग हैं, गरीब तबके, उनका हम सहायता कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं क्या परेशानी, इसीलिए वो भारत जोड़ो मोटिव निकाले हैं। तो आपको इस पे क्या कहना है? नहीं, इसमें अब भारत का तो हो जाएगा, आपने पूछा ना कांग्रेस का क्या होगा, तो कांग्रेस उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो छोड़ के पूरा भारत घूम रहे हैं। समस्या उनकी वजह से खत्म हो जाएगी, उनके भारत जोड़ो यात्रा से खत्म हो सकती है उनकी समस्या भारत की? हाँ, भारत की क्यों नहीं होगी, जब आप निकलेंगे बाहर और लोगों को अवेयर करेंगे तो लोगों की समस्या अपने में कम होगी, कांग्रेस की समस्या नहीं खत्म होगी। कांग्रेस की समस्या नहीं खत्म होगी। अच्छा, कोई बदलाव नहीं होने वाला? कोई बदलाव नहीं होने वाला। आपको क्या कहना है? सेम पापा जैसा ही। अरे आपकी कुछ ओपिनियन, आप खुद एक युवा हैं, कुछ बता सकते हैं क्या लगता है? सी नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कांग्रेस पे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेजर नहीं है। अच्छा, ये ग्राउंड लेवल पे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे पीपल से इससे। ऐसा आपको क्यों लग रहा है, क्योंकि आप खुद एक युवा हैं, आप समझ सकते हैं कि हमारा देश आगे किस वजह से बढ़ सकता है, तो आपको क्यों लग रहा है कि इफेक्ट नहीं पड़ रहा है? क्योंकि एक बहुत बनावटी सा मूवमेंट लग रहा है इसमें। अच्छा। किसी का भला नहीं हो रहा है, सिर्फ ग्राउंड लेवल से जो असली में लोगों से कनेक्ट करना होता है इसमें वो नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस के लोग। अगर इससे इफेक्ट मतलब भला होगा भी तो मीडिया कवरेज में इतना मीडिया कवरेज नहीं मिल रहा है इसको, तो भला होगा भी तो पता नहीं चलेगा किसी को, और होगा नहीं पहली बात। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मीडिया उसको कवर नहीं कर रही है, ऐसा क्यों आपको थॉट आया? क्योंकि इफेक्टिव मेजर है ही नहीं इतना। अच्छा। क्यों करेगी मीडिया? उन्हीं की तरफ से इफेक्टिव मेजर, उन्हीं की तरफ से इफेक्टिव मेजर नहीं, क्यों मीडिया कवर करेगा? मैम आप इस देश में रहती है, आपकी क्या ओपिनियन, लगता है आपको राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कुछ तो बदलाव होगा, या उनकी छवि में बोल सकते हैं, या जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस दब चुकी है एक, तो फिर उभर के आ सकती है इसकी वजह से? हमें नहीं लगता कि कांग्रेस को इससे कुछ भी भला मिलेगा। अच्छा। कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए आपको अपने अंदर बैठक करके आपको अपने अंदर जो कमियां हैं आपके कोर लेवल पे, जो डाउन लेवल पे आपके अपने जो ऑर्गेनाइजेशन की कमियां, आपको ये कहना है कि आप अपने पार्टी को पहले अच्छे से कवर करें। आप अपने जो भी कार्यकर्ता हैं मतलब ग्राउंड लेवल पे आप उतर के देखिए कि क्या समस्याएं हैं, क्यों नहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कर पा रही है। अच्छा। तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, उसके लिए आपको अपने कार्यकर्ताओं और उन लोगों के साथ बैठक करनी पड़ेगी, न कि बाहर निकल के आपको यात्रा करने से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा कर पाएंगे। अच्छा, तो मतलब आपको कहना कि इस पे कोई फर्क नहीं, कांग्रेस पार्टी को कोई इससे फायदा नहीं मिलेगा जो चल रही है राहुल गांधी की, तो उससे क्या कांग्रेस पार्टी उभर के आ सकती है, कुछ इस पे फर्क पड़ सकता है? नहीं पड़ेगा कोई फर्क। कुछ फर्क क्यों, ऐसा कुछ सोच उनकी सबकी बनी हुई है कांग्रेस के खिलाफ, इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, कोई उन पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, मतलब ऐसी कोई कारण बताएंगे क्यों नहीं पड़ने वाला है? लोगों की कांग्रेस के प्रति जो सोच बनी हुई है वो अच्छी नहीं है, वो सोच बदल नहीं रही है। नहीं बदल, वो सोच बदलने के ही लोग भारत जोड़ो यात्रा निकाले तब भी सोच नहीं बदल, नहीं बदल पा रही है। ऐसा कोई कारण है जैसे कि वो लोगों छवि बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है ना, उसके वजह से छवि अभी भी छवि नहीं बदल पा रही, नहीं बदल पा रही है छवि की वजह से उनका रिएक्शन हो रहा है। तो आपने देखा यहाँ के जो तमाम लोग हैं उनका यही कहना है कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनकी छवि की वजह से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ लोगों का यही कहना है कि पहले वो अपने पार्टी को एकजुट करें, पार्टी में देखें कि क्या गलत है क्या सही है, उसको सही करें, उसके बाद वो भारत जोड़ो यात्रा। तो तमाम ऐसी प्रतिक्रियाएँ लोग दे रहे हैं, आइए जानते हैं और लोग उनका क्या कहना है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी जो कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी में कुछ फर्क पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है मैम, वो चल रहे हैं, उनके सामने कई जनता मिल रही है, उनके साथ संख्या बढ़ रही है। अच्छा। कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा ही।
उनके छवि कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ना छवि उनकी बिल्कुल अच्छी, अभी तक शादी नहीं की है देश के लिए, आप भी जान सकती है देश के लिए शादी, वो तो मोदी जी ने भी नहीं की है शादी। आप क्या कहना चाहते, वो नौजवान है अभी। अच्छा वो नौजवान है, नौजवान है तो देश के लिए कुछ ऐसा काम करते हुए दिख रहे हैं जब से भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं, कुछ ऐसा आपको अलग दिखा? बिल्कुल दिखा मैम, वो जब चलते हैं तो उनके पीछे देखिए जनता कितनी आ रही है, जनता नहीं आती है तो वो किराए की जनता ले आते हैं। लग रहा है कि कांग्रेस वापस आ सकती है इस बार? ना नहीं आई है, तब भी दो चार रोड तो बढ़ी जाएंगे उनके। अच्छा, दो चार रोड बरसे लेकिन वापस नहीं आ सकती, वापस तो मुश्किल है। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है वापस नहीं आ सकती? क्योंकि अभी तो नहीं, फिलहाल इधर 10 साल बाद आ सकता है, अभी अंदर वो जोश नहीं है, अभी वो जोश नहीं चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा में, लेकिन वो जुनून उनके अंदर दिख नहीं रहा है। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते, वो जुनून नहीं दिख रहा उनको? वो जुनून नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ विपक्ष में एक मजबूत पार्टी होनी चाहिए जिससे दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा बने। जब तो सामने कौन सी पार्टी मजबूत दिख रही है अब भाई? अभी एक ही पार्टी कांग्रेस बची है। अच्छा, और कौन है? अच्छा, आम आदमी पार्टी को भी लोग कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी कहाँ, वो बस दिल्ली तक अभी सीमित है, भविष्य में शायद कुछ हो जाए तो हो जाए, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ऐसा लग तो नहीं रहा कांग्रेस का? नहीं नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं लग रहा है? तमाम ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा फिगर नहीं है। अच्छा, फिगर और नहीं। कुछ इनका वो भी नहीं, इसलिए कुछ ऐसा अपना है ओपिनियन नहीं है। हाँ, ओपिनियन नहीं है कोई ऐसा, मतलब जैसे कोई तर्क होता किसी चीज में, वो है नहीं इनके पास में। अच्छा। हाँ, मजबूती नहीं, कहीं से कहीं दिख नहीं रहा, कांग्रेस तो एकदम बिखर गई है ना, तो कुछ ऐसा है नहीं। देखिए, अगर कांग्रेस जोड़ो यात्रा होती तो कोई फर्क नहीं पड़ सकता था, पर भारत जोड़ो है तो इससे लेकर कुछ। अच्छा, मतलब नाम की वजह से आप बोल रहे हैं कि इफेक्ट पड़ सकता? नहीं, देखिए भारत जोड़ो है तो कुछ ना कुछ मतलब माइंड में जो इफेक्ट पड़ेगा ना लोगों के। आपको ये कहना है कि कांग्रेस बिखर चुकी है, कांग्रेस की जो पार्टी है? जी जी जी, कांग्रेस जो है अपना जो है अस्तित्व खो चुकी है। वो मेन कारण जो है वो राहुल गांधी है, ठीक है, उनके अब थोड़े जो है उनके मतलब जो उनकी जो मतलब जो सोच है, जो बदलाव है, वो थोड़ा सा अब थोड़ा अलग लग रहा है, इससे लग रहा है कुछ फर्क पड़ सकता है। कुछ फर्क पड़ सकता है। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या फर्क पड़ सकता है? अरे सर, कुछ अपना ओपिनियन बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ तो फर्क पड़ ही सकता है, कुछ ज्यादा नहीं पड़ेगा। राज जो कांग्रेस पार्टी शुरू की है उससे क्या फर्क पड़ सकता है? कांग्रेस पार्टी या भारत में वापस आ सकती है? ऐसा है, कांग्रेस ने जो अब तक सत्ता में रहे हैं 70 साल 75 साल जो भी रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि हम फिर वापसी कर लेंगे या ऐसा हो जाएगा। ये एक फिजूल खर्ची की बात है, वो अपना एक तमाशा प्रोपेगेंडा इन्होंने बना लिया है कि हम ऐसा करेंगे, हम पदयात्रा निकालेंगे, ये निकालेंगे, वहाँ जाएंगे, इससे हमारा प्रभाव पड़ेगा, इससे हमारा फर्क पड़ेगा। लोग इनके बारे में तरीके से बातें करते हैं आपस में, किसी भी चौराहे पर आप देख लीजिए तो इनका मजाक बनता है। किसी आप चाय की दुकान पे जाइए जहाँ पे 10 लोग खड़े मिलेंगे आपको, तो जैसे ही आप हम बात आपस में स्टार्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं हमको ये सुनने को मिलता है राहुल गांधी, इनका नाम तो आपको सबको पता होगा, पप्पू रख दिया गया है। तो कुछ पप्पू नाम में कुछ बदलाव आया है? नहीं नहीं, कोई बदलाव नहीं, उन्होंने बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ली है। आसाराम बापू जेल गए थे, किस केस में गए थे भी पता होगा, सेम आप आज चेहरा उनका देखेंगे तो आसाराम बापू से ही उनका मिलान आप कर लीजिए, वो सेम मिलान मिलेगा आपको। अच्छा, तो राहुल गांधी को आप आसाराम बापू से? बिल्कुल 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 वही, आप दाढ़ी देखेंगे, आप उनकी मूंछ देखेंगे तो आसाराम बापू और राहुल गांधी को जी। इसमें कहीं से आप कंट्रोवर्सी नहीं मिलेगी। अच्छा। मतलब सेम चेहरा है, तो वो अपनी गलतियों को जो उन्होंने अब तक किया है और सत्ता में रहे हैं उसका गलत तरीके से फायदा उठाया, लोगों को गुमराह। क्या लग रहा है फर्क पड़ने, क्या कांग्रेस फिर से उभर जा सकती है? कोई कोई बदलाव नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सीटें इनके पास थी, हमको लग रहा है कि एक दो जो इनको मिल जा रही थी, अब वो भी मिलना मुश्किल होगा। अच्छा। तो इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, वो अपना एक घूम घूम के एक एजेंडा उनका है कि लाओ घूम के भारत जोड़ो यात्रा हम करेंगे, तो भारत जोड़ो यात्रा में चलो ठीक है भाई, 100 आदमी हैं कि चलो यहाँ पे हमको खाना मिल जाएगा, यहाँ पे हमको एक वो कुछ मिल जाएगा खाने पीने के लिए, हम साथ में चलेंगे और चलने के बाद में हमारा भी एक टीवी पे चैनल पे हमारा वो आ जाएगा, फोटो आ जाएगा, उसके साथ हम चार कदम चल देंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं। जन समूह, आपको क्या कहना है सर, भारत जोड़ो यात्रा से कुछ फर्क पड़ने वाला है? सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? फर्क आएगा ही होगा, सर फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ ऐसे कुछ कारण बताइए। योगी जी का राज ही रहेगा, मोदी जी का ही राज रहेगा। चलिए, शुक्रिया सर, आप कुछ बोलते? कोई मतलब ही नहीं है पार्टी से। अच्छा, तो आप इस देश में रहते आपको मतलब ही नहीं है?
पार्टी मतलब बेकार सब दलाल भर है। अच्छा दलाल है। हाँ, आपको क्या कहना है? ठीक है, जो चल रहा मामला बढ़िया चल रहा है। पड़ेगा कांग्रेस पार्टी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो फर्क तो कुछ राहुल गांधी की जो छवि है वो कुछ बदलाव दिख रहा है। अरे इतनी बदलाव है, बहुत ज्यादा ही बदलाव आ रहा है, देख रही हूँ इधर निकल रहा उधर ही भागे लेके चला जा रहा, पब्लिक ही पब्लिक उसके पीछे दौड़ रही है। बंद है इस समय क्राइम बंद। हाँ क्राइम बंद है, योगी जी के राज में कोई कुछ हो नहीं रहा, मतलब ऐसा हर जगह पे पुलिस पाई जा रही, पहले ऐसा कुछ नहीं होता। कांग्रेस पार्टी में क्या फर्क पड़ सकता है या भारत में क्या फर्क पड़ सकता है? देखिए इससे फर्क तो बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी को तो हर आदमी यही कहता, पप्पू कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, भाई आने वाला 100% प्रधानमंत्री वही है। अच्छा राहुल गांधी प्रधान जी आने वाले वक्त में। और दूसरी चीज, बेरोजगारी चरम सीमा पे हो गई है, गरीबी हटाओ है, गरीबी हटाओ गरीब हट जाओ। अच्छा। है ना, हर घर जल, हर घर जलेगा, हर घर जल रहा है, समझ गए? हर चीज को लगता है कि राहुल गांधी आएंगे तो ये गरीबी बेरोजगारी सब हट जाएगी? बिल्कुल हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए हमें तो। अरे यही हटा दें यही सही रहेंगे हमारे लिए तो, ये जो हर आदमी हर चीज ऑनलाइन हर चीज, हर आदमी बेचारा एक आदमी का किसी भी तरीके से वो काम कर रहा है, दलाली कर रहा है कुछ कर रहा है, हर चीज ऑनलाइन कर दे रहे हो, हर चीज वो कर दे रहे हो, सारा पैसा तुम ऑनलाइन लिए ले रहे हो। अरे जो बीच में खा कमा रहे हो उनको भी तो खाने कमा रहे हो, करोड़ों अरबों आदमी को बर्बाद मत करो, बहुत गलत कर रहे हो, एक दिन हर आदमी पागल हो जाएगा। कि उनकी छवि खराब हो रही है 12 जोड़ी यात्रा से, आप क्या क्या कहना है? अब हम इतना तो देखिए सियासत में नहीं है, जो मेरी बात थी मैंने बता दी और सही रहेगा जो है वही सही रहेगा, बताओ उसके लिए क्या कह सकते हैं? कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? आप कुछ कहना चाहेंगे किस विषय पर? भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस निकाली है उससे कांग्रेस पार्टी में कुछ बदलाव आ सकता है, भारत में कुछ बदलाव आ सकता है? देखिए ये कांग्रेस पार्टी की जो पहल है ये निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है, अगर भारत जोड़ने निकले हैं तो अच्छी बात है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप क्या पूरी तरीके से आपके अंदर वो परिपक्वता है कि आप भारत को जोड़ सकते हैं। अच्छा। भारत पहले से जुड़ा हुआ है, भारत तो पहले से अखंड है ना, तो आप किस चीज़ को भारत को के लोगों को अगर जोड़ने निकले हैं तो किस आधार पर निकले हैं ये डिपेंड करता है। अच्छा। अगर राहुल गांधी इतना परिपक्व हो चुके हैं कि वो देश को लीड कर सकते हैं तो अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन जब तक जनता को कोई ऑप्शन नहीं मिल जाता तब तक वो इतनी आसानी से वोट नहीं करेगी उनके लिए। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वाला चुनाव अभी उनके लिए और ट्रिपिकल रहेगा, जो आगे आने वाला चुनाव है मे बी 24 के जो बाद वाला चुनाव है उसमें वो और अच्छा करें, और सरकारें बदलती रहनी चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अगर देश को चला सकते हैं तो आप बिल्कुल आपको जनता वोट करेगी, लेकिन पहले वो तो सीरियसनेस आप लग रहा है कि इस टाइम वो नहीं उस मतलब है कि भारत को जोड़ सकते हैं या नहीं, भारत नहीं को मैंने कर सकते हैं? नहीं वो भारत तो जोड़ ही रहे हैं ना, वो भारत जोड़ो यात्रा वो निकाल रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं निश्चित रूप से, लेकिन ये है कि अगर जनता उनको सीरियसली ले रही है तो जाहिर सी बात है उनके लिए वोट करेगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हुए हैं, क्योंकि जनता के दिमाग में जो एक चेहरा बसा हुआ है नरेंद्र मोदी का वो उसको इतनी जल्दी हटाना, क्योंकि अभी दो पंचवर्षीय हुई हैं, ठीक है, तो अभी एक पंचवर्षीय और मेरे ख्याल से अभी उनको दिक्कत जाएगी राहुल गांधी को, आगे आने वाले 24 के अलावा जो चुनाव होगा 29 वाला उसमें हो सकता है वो बहुत अच्छा करें। तो आपने देखा यहाँ के जो आम जनता है, जो यहाँ के युवा हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी या उनके कांग्रेस पार्टी में कुछ फर्क आ सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं आ सकता है, क्योंकि जो जो यहाँ के लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम काम मांगते हैं और ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, ना कोई भारत जोड़ो यात्रा का कोई मोटिव है। तो ऐसे तमाम प्रतिक्रिया जो हैं यहाँ के आम जनता दे रहे हैं, तो देखते हैं कि और जो यहाँ के आम जनता लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी को जो कह रहे हैं कि इसमें जोड़ सकते हैं, भारत जोड़ो यात्रा जुड़ सकता है और आने वाले समय में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनकी छवि जो है इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, ना उनकी छवि बदला। तो ऐसे तमाम प्रतिक्रियाएँ जो है आम जनता अपना दे रही है। कैमरामैन सुधीर के साथ सुहानी सिंह, प्राइम टीवी लखनऊ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।